नमस्कार, मैं शामराव मोकाशी, अध्यक्ष राजाराम बापू पाटिल रिक्शा संघटना महाराष्ट्र के सभी रिक्शा वाले और रिक्शा वालों, ये वीडियो पूरा देखिए और एक मेक को शेयर कर दीजिए। अभी रिक्शा का परमिट बंद हो जाएगा, अभी आचार संहिता लगी है आज से, अभी मतदान हो जाएगा, नया मंत्रिमंडल आएगा और नया मंत्रिमंडल ये पहला निर्णय पहला 15 दिन के अंदर लेगा। 15 दिन में नहीं लेगा तो हमारा कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए सब पेपर तैयार है, ये सभी जन ने ध्यान में रख दीजिए। और अभी फिर बंद हो जाएगा तो महाराष्ट्र में काला पीला रिक्शा का किसको भी कभी भी परमिट मिलेगा नहीं, ये सभी जन ने ध्यान में रख दीजिए। ऑपरेटर पद्धति से रेडी वो रिक्शा, फोन ये रिक्शा, नीलाव पद्धति से भविष्य में महाराष्ट्र में परमिट मिलेगा, वो भी ऑनलाइन से रिक्शा चलेगी। तो जिसको जिसको जरूरत है तत्काल, कोई विचार करना नहीं, लाइसेंस निकालो, बिल्ला निकालो। अभी पीरियड तो आपको समझ में आया होगा, हाँ अभी 20 तारीख को कुछ वोटिंग है, 23 तारीख को कुछ निकाल है, मंत्रिमंडल बनेगा नवंबर में, तो 2024 एंड में या 2025 में 15 दिन के 25 जनवरी 15 पहले महीने में परमिट बंद कोई भी हालत में हो जाएगा। सब हमारे ड्राफ्ट तैयार है, कौन से ड्राफ्ट से ये हो जाएगा तो मंत्रिमंडल को हम पहला चांस दे देंगे, मंत्रिमंडल ने निर्णय लेना है और हम लोग मुद्दत देंगे 15 दिन के अंदर, नहीं तो डायरेक्ट वही पेपर कोर्ट में, ये प्रकरण ये हाई कोर्ट में है, हमारा सब तैयारी हो चुकी है, पिटीशन खाली स्टे के लिए ऑर्डर करना है, बस 15 दिन में कोर्ट में जाएगा तो ऑर्डर मिल जाएगी। तो जिसको जिसको जरूरत है उसने रिक्शा का परमिट निकालना है, जिसके पास लाइसेंस नहीं बिल्ला नहीं वो भी निकालो, देता है आरटीओ वाला देता है, गुरु के पास जाओ, तुमको जो कुछ करना है परमिट के बारे में, रिक्शा टैक्सी के काले पीले के रिक्शा परमिट के लिए जाओ, अभी काम नहीं धंधा नहीं, तुमको जिसको रिक्शा लेना है किसने भी ले लो, मराठी ले लो, भैया जी ले लो, किसने भी ले लो, जिसको जरूरत है वो ले लो। ये सभी जन ने ध्यान में रखना है, यही वीडियो पूरा देखो और सब पूरा महाराष्ट्र में सभी जन को ये वीडियो शेयर करो, जिसको जरूरत है उसने परमिट निकालो, ये भी सभी जन ने ध्यान में रख दो, परमिट बंद ये ध्यान में रखना है। धन्यवाद। मूंछ वाले मोकाशी यूट्यूब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।